रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में हर वर्ष होने वाला 6 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेले का विधिवत आगाज हो गया। वैसे तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेले का उद्घाटन करने अगस्त मुनि आना था, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के न पहुंचने पर केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने मेले का शुभारंभ किया। राज्य निर्माण के बाद से अगस्त मुनि में हर वर्ष लगने वाला मंदाकिनी शरदोत्सव लंबे संघर्षों के बाद बने उत्तराखंड राज्य मिलने की खुशी में हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव के कारण अपने नियत समय से कई दिन बाद इस मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के न पहुंचने से लोग निराश भी दिखे। मेले में जिले के सभी विभागों के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की प्रदर्शनियां लगाई गई थी। मेले में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनियां और लोक गायकों की मनमोहक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मेले के उद्घाटन के बाद केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि मंदाकिनी मेला सरकार की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। हम हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हम तैयार रहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या राज्य के माननीय मंत्रीगण अगर हमारे मेलों में आएँ तो इस क्षेत्र के विकास के लिए विकास में नए आयाम जुड़ेंगे। इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि स्टॉल आ गए हैं, लेकिन ये एक चिंतनीय प्रश्न बिल्कुल है कि धीरे धीरे अगस्त मुनि का मेला अगर ऐसी चमक होते जाएगा तो एक दिन मेला शब्द इसके लिए सार्थक नहीं रह जाएगा। संपाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।